हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हम कर रहे हैं टेंसेस और आज हमारा टेंसेस का लास्ट डे है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है टेंसेस का। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने जितने भी टेंसेस लर्न किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम इसकी इंडिकेशन देख लेंगे, इसकी इंडिकेशन, इसकी पहचान है कि ये जो है इसमें हमें परफेक्ट भी दिखाई देगा और कॉन्टिन्यूस भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन चेंज क्या है इसमें, हमें टाइम जो है वो नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये आपको कॉन्टिन्यूस होने की वजह से दिखाई देगा। साथ ही आपको वहाँ पर टाइम की प्रेजेंस दिखाई देगी। इसके साथ ही मैं पहले आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये इंडिकेशन क्यों है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के प्लस टाइम, इसका क्या मतलब। वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। अगर हम सिंपल लिखते हैं, हम टाइम को हटा देते हैं, वह पढ़ रहा होगा, इसमें हमें सिर्फ रहा होगा दिखाई दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो आपको इसका ध्यान रखना है, सिर्फ रहा होगा ही नहीं देखना लास्ट में, अगर ये भी देखना है कहीं उसमें टाइम तो नहीं दिया गया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। अब इसका मेथड क्या है सेंटेंस लिखने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट वाला यूज़ होगा, प्लस बीन लगेगा, जैसे कि हमारे हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगा था, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी ही, प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये बता दूँ सेम कि विल हैव बीन किसके साथ लगेगा और शैल हैव आई और वी के साथ लगेगा, शैल हैव बीन, बाकी यू, ही, शी, इट, किसी का नाम या दे के साथ लगेगा, will have been। तो उसके बाद बात आ जाती है, इसमें एक चीज़ है वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, इन तीनों में ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का। जब यहाँ पर टाइमिंग की बात होती है तो टाइमिंग के लिए उसको इंडिकेट करने के लिए लगता है सिंस या फॉर। तो सिंस किसके लिए लगता है और फॉर किसके लिए लगता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देगा वहाँ लगेगा फॉर, और यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाई देगा वहाँ पर लगेगा सिंस। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चा सुबह से पढ़ रहा होगा, द चाइल्ड
will have been studying since क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है. पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि किस टाइम से वो पॉइंट है, सुबह से, शाम से, कल से. तो ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके वजह से क्या लगेगा, सिंस. तो अब हम एक फॉर की एग्जांपल ले लेते हैं. प्रिया 4 दिनों से ऑफिस जा रही होगी. अब यहाँ पर क्या है, पूरा जो है पीरियड बताया गया है, कितना पीरियड है यहाँ पर टाइम का. तो इसलिए क्या लगेगा, अब फॉर. प्रिया नाम है तो विल हैव बीन, जाना मतलब गो, प्लस आईएनजी गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 days. ठीक है, मुझे लगता है, उम्मीद है पूरा कि आपको सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. अब हम ये सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे. क्या करना है, सेम प्रोसीजर जो हम पहले से फॉलो करते आए हैं. प्रिया विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 days. विल या शैल जो है उसके साथ ही नॉट लगेगा, इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज कर लेंगे. तो विल बाहर आ जाएगा. विल प्रिया हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 days. तो अगर हमें इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में करना है, सेम नेगेटिव सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ विल बाहर आ जाएगा. विल प्रिया नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 days. आई रियली होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि सेम मेथड का आप पहले भी 2 बार जो है पढ़ चुके हैं, उसमें सिंस और फॉर जो है रिपीट हो चुका है. तो इसको समझने में आपको और भी आसानी हुई होगी. लेकिन अब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगी. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाए. थैंक यू.